हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम सो ये सीरीज में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो आपका प्रीलिम्स है 2023 में होना है फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट थर्टी आवर्स में वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर सेक्शन दैट इज़ एनवायरमेंट एंड एकोलॉजी ये भी कोशिश करते हैं कि इसके साथ आपके सारे पी वाई की हो जाए जितने भी बेसिक इश्यूज होंगे वो सारे बेसिक्स भी कवर हो जाएंगे एट द सेम टाइम इन द एंड वर करंट अफेयर्स लेट स्टार्ट ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कुछ बेसिक टर्मी टर्मिनोलॉजी हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे नाउ uh, ये डायरेक्ट बेसिक टर्मिलॉजी पर आपको कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा बट स्टिल इट इज़ बेटर टू नो ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज अब यहाँ पर सबसे पहली टर्म होगी एनवायरमेंट देन वी विल डिस्कस इकोलॉजी उसके बाद में इको सिस्टम एंड देन देर आर अ फ्यू मोर बेसिक्स विच वी आर सपोज टू डिस्कस वाइट तो एनवायरमेंट अगर टर्म आप पढ़ें तो एटीमोलॉजिकली एनवायरमेंट का जो मीनिंग है इट इज सराउंडिंग आपका जितने भी सराउंडिंग के कंपोनेंट्स हैं इट फिजिकल सराउंडिंग केमिकल सराउंडिंग और बायोलॉजिकल सराउंडिंग ये सारा ही आपका एनवायरमेंट हो जाएगा नाउ सी वेन वी आर सींग एयरमेंट तो एनवायरमेंट में ये तीन टर्म्स इम्पॉर्टेंट है फिजिकल सराउंडिंग केमिकल सराउंडिंग एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग अब ये सराउंडिंग जब हम बोल रहे हैं कि आपके सराउंडिंग के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, दैट इज समथिंग विच इज एनवायरमेंट इज तो इसमें एडिशनली कोई कंडीशन नहीं है ठीक है इट इज जस्ट यू राइट और अस ह्यूमन बींग्स एंड वॉट एवर एग्जिस्ट इन आवर सराउंडिंग ऑल विल बी एनवायरमेंट ठीक है अब यहाँ पे ये एम्फोसिस करना इतना जरूरी क्यों है बिकॉज सिमिलर वर्ड्स यूज होंगे व्हेन वी विल डिस्कस द टर्म इकोसिस्टम बट इकोसिस्टम टर्म में एक स्लाइट चेंज है उस चेंज को हम लोग देखेंगे देन वी विल रियलाइज कि एन्वायरमेंट और इको सिस्टम दीज आर लाइक सिमिलर टर्म्स बट दे मीन डिफरेंट थिंग्स ठीक है सो ये आपका जितना भी सराउंडिंग है फिजिकल हो केमिकल हो बायोलॉजिकल हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इन्फ्लुएंसेज यू ठीक है ये इन्फ्लुएंस वर्ड भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा नाउ वी आर सींग ऑल अवर सराउंडिंग फ्रॉम अ परस्पेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म, ठीक है सो फाइनली वी हैव दिस डिफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट अगर आप इसको इलेबरेट करें तो वी कैन ऑल्सो से द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशन अफेक्टिंग द लाइफ डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजिंग विल बी योर एनवायरमेंट ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर कंडीशंस

नाउ वॉट आई जूडोर इज संग कि ये इथोलॉजी क्या है इथोलॉजी इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशस्ट मिनट इथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेश ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विद इन द फैमिली एंड सोसाइटी इन द एग्रीगेट एंड इन द कम्युनिटी ठीक है अब फैमिली और सोसाइटी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका विद इन द फैमिली और विद इन द सोसाइटी क्या रिलेशन है और एज अ होल कम्युनिटी उनका क्या रिलेशन है दैट इज समथिंग वी आर स्टडिंग वेन वी से इथोलॉजी ठीक है नाउ यू माइंड गेट कन्फ्यूज कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या कहा जा रहा है तो देखिये uh, एक फैमिली जो होगी या एक सोसाइटी जो होगी इट विल बी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बट जब आप टर्म यूज करेंगे कम्युनिटी तो कोई भी गिवन एनवायरमेंट में देयर कैन बी मल्टीपल स्पीशीज राइट देयर कैन बी अ गुड नंबर ऑफ वराइटी ऑफ स्पीशीज और ये सारी वराइटी ऑफ स्पीशीज दे वुड मेक अप अ कम्युनिटी ठीक है तो किसी एक ऑर्गेनिज्म का उसके सोसाइटी या उसके फैमिली में एग्जैक्टली क्या रिलेशन है उसके, exactly उसके पूरे पॉपुलेशन में क्या रिलेशन होगी दैट इज समथिंग वी आर स्टडिंग एंड एट द सेम टाइम थ्रू आउट एनवायरमेंट में जो उसकी कम्युनिटी होगी वेरियस ऑर्गेनिजम्स होंगे अदर स्पीशीज होगी उसके साथ उसकी क्या रिलेशन है उसका जो भी स्टडी हैनी फिजिकल कंपोनेंट और केमिकल कंपोनेंट वेन यू आर सींगी इथोलॉजी में हम लोग स्पेसिफिकली एनवायरमेंट का जो बायोटिक कंपोनेंट है बायोटिक कंपोनेंट के साथ किसी एक ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन होगा दैट इज समथिंग वी आर स्टडिंग हीयर देन देर इज वन मोर टर्म हेक्सिकोलॉजी हेक्सिकोलॉजी टर्म जो है इट वॉज गिवन बाय जॉर्ज जैक्सन एंड ही वॉज अ इंग्लिश नेचुरलिस्ट ठीक है सो वॉट जॉर्ज जैक्सन जैक्सनी सिंह जॉर्ज जैक्सन जैक्सनी सिंह किसी हेग्जिगोलॉजी क्या है हेग्जिगोलॉजी इट्स अ डिवोटेड स्टडी ऑफ द रिलेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट एज रिगार्ड्स द नेचर ऑफ लोकैलिटी दे फ्रिक्वेंट ठीक है क्या हमने कहा कि ये इट इज स्टडी स्टडी ऑफ वॉट एंड ऑर्गेनिजम

ऑर्गेनिज्म होगा दैट ऑर्गेनिज्म उसका कुछ लोकेलिटी होगा ठीक है लोकेलिटी दे फ्रिक्वेंट मीन्स वेरेवर दे आर लिविंग वेर एवर दे आर स्पेंडिंग दे टाइम देन दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी माइट हैव सम फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ लाइट वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन दीज थिंग्स की ऑर्गेनिज्म का उसके लोकेलिटी की क्या साथ क्या रिलेशन है वहाँ की फिजिकल कंडीशन जो है फिजिकल कंडीशन के साथ क्या रिलेशन है एंड दे आर रिलेशन टू अदर ऑर्गेनिज्म ठीक है नाउ देर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इथोलॉजी एंड हेक्सिकोलॉजी इन इथोलॉजी वॉट डिड वी से दैट रिलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ठीक है बट किस कंपोनेंट के साथ उसके सराउंडिंग बायोटिक कंपोनेंट के साथ बट वेन वी आर सी हेक्सिकोलॉजी हेक्सिकोलॉजी में हमने क्या कहा कि ये जो ऑर्गेनिज्म का उसके सराउंडिंग के साथ रिलेशन है किन कंपोनेंट के साथ होना चाहिए फिजिकल कंपोनेंट के साथ तो होना ही चाहिए बट वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट यहाँ पर जो रिलेशन होगा ये बायोटिक कंपोनेंट के साथ भी होगा मूविंग ऑन वी कम टू दोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज इकोलॉजी ठीक है अब हो सकता है कि ये सारी टर्म्स सिमिलर uh, सिमिलर लगे बट बाय एंड लार्ज इनमें आपको एक कुछ है कुछ ना डिफरेंस दिख जाएगा न वेन वी से इकोलॉजी सो इकोलॉजी इज नथिंग बट इट इज अ इट इज़ अ स्टडी स्टडी ऑफ वॉट हियर आई हैव इट कम्स फ्रॉम अ टर्म आई दैट वुड मीन ड्वेलिंग प्लेस सो कोई एक ऑर्गेनिजम होगा ऑर्गेनिज्म का जो भी हैबिटेट है या इन वॉट एवर एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म इज लिविंग वो होगी उसकी ड्वेलिंग प्लेस या आप उसको कहेंगे ऑइकॉज और आइकॉज में या किसी ड्वेलिंग प्लेस में किसी ऑर्गेनिज्म का जो भी रिलेशनशिप होगा जो भी उसके रिलेशनशिप के एस्पेक्ट्स होंगे उसको जब भी हम स्टडी करेंगे दैट इज लोगोस इज नथिंग बट स्टडी दैट विल बी द टर्म इकोलॉजी इन सिंपल वर्ड्स व्हाट वी आर सींग द इकोलॉजी इज अ बायोलॉजिकल साइंस ठीक है ये एक साइंस है

इकोलॉजी ये एक कंप्रेहेंसिव टर्म ना इकोलॉजी एंड इकोलॉजी जो यूज होती है ब्रॉड बेसिस पे जो टर्म यूज होती है डे टू डे लाइफ में दैट इज इकोलॉजी एंड इन इकोलॉजी वी से वट इज इकोलॉजी इकोलॉजी इज नथिंग बट इट इज दायोलॉजिकल साइंस सो दिस पर्टिकुलर टर्म इज इंपॉर्टेंट इकोलॉजी एक बायोलॉजिकल साइंस है किसके साथ डील कर रहे हैं इकोलॉजी में वी आर डीलिंग विद द इंटरेक्शन इंटरेक्शन ऑफ वॉट इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ हुम इंटरेक्शन विथ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड द फाइन सो ये अर्नेस्ट uh, 1980 सॉरी ही केम अप विद दिस पर्टिकुलर टर्म दैट इज इकोलॉजी तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने इकोलॉजी की डेवलप uh, करी है देखिए नाउ आई जस्ट रन यू थ्रू

अदर ऑर्गेनिज्म एंड द गिवन एनवायरनमेंट ठीक है सो दिस इज आउ वी आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन दीज टू टर्म्स नाउ जस्ट टू इलेबरेट अब आई डोंट थिंक कि इसमें कोई बहुत ज्यादा इलेबरेशन के रिक्वायरमेंट है दोनों टर्म्स में बहुत ज्यादा क्लियर टर्म्स है देर कुड बी सम स्पीशी लेट से देर इज अ टाइगर राइट अब यह टाइगर का अगर आप एनवायरमेंट देखें तो ही वुड भी हैबिटेटिंग इन फॉरेस्ट और उस फॉरेस्ट में जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स है फिजिकल कंपोनेंट्स है केमिकल कंपोनेंट है डेट वुड बी हीज एनवायरमेंट नाउ वी आर नॉट सेंग की वो एनवायरमेंट के साथ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वेदर ही इज इंटर एक्टिंग और वेदर इज नॉट इंटरएक्टिंग विद द एनवायरमेंट वी आर नॉट गोइंग इन टू दो आस्पेक्ट वी आर सिंपली सेंग कि मान लीजिए कोई टाइगर होगा फॉरेस्ट है फॉरेस्ट के बायोटिक कम्पोनेंट्स होंगे देन देयर वुड भी सम फिजिकल कंपोनेंट्स कुछ केमिकल कंपोनेंट्स होंगे ठीक है तो ये सारा ही इसका हो जाएगा एनवायरमेंट अब जब हम बात करेंगे इकोलॉजी की नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि ये जो टाइगर है हाउ दिस टाइगर इज इंटरेक्टिंग विद ऑल द कंपोनेंट्स इन दोज फॉरेस्ट उस टाइगर की और बाकी एनिमल्स की रिलेशनशिप क्या है उस टाइगर की और वहां पर जो फिजिकल कंडीशंस क्या है हाउ दैट टाइगर इज कोपिंग अप विद दो फिजिकल कंडीशंस और केमिकल कंडीशंस ऑल दिस इज योर इकोलॉजी इकोलॉजी इज स्टडी एंड एनवायरमेंट इज मोर अबाउट द काइंड ऑफ सराउंडिंग विच वी हैव ठीक है तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया इन दो टर्म्स में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी मूविंग फर्दर वी हैव वेरियस वेज इन विच इकोलॉजी कैन एग्जिस्ट ठीक है इकोलॉजी एक्चुअली क्या थी इकोलॉजी तो इकोलॉजी एक स्टडी थी ठीक है सिंपली हम इसको याद रखेंगे कि इकोलॉजी क्या है आपके सराउंडिंग एनवायरमेंट की स्टडी है अब ये जो स्टडी करी जा सकती है इट कैन बी डन इन वेराइटी ऑफ वेज अलग अलग तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं ठीक है ठीके? और इसीलिए देर आर अ लॉट ऑफ वेज वी एक्सप्रेस इकोलॉजी ठीक है इकोलॉजी को एक्सप्रेस करने का एक तरीका हो सकता है वी आर वी कैन हैव अ बिहेवियरल इकोलॉजी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी फाइन और कई सारे टाइप्स इस इकोलॉजी के बट आई जस्ट फोकस ऑन अ फ्यू आस्पेक्ट लेट्स से लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ द टर्म बिहेवियरल इकोलॉजी न वे वेन वी से बिहेवियरल इकोलॉजी तो देखिए कोई भी एक सराउंडिंग है ठीक है इफ यू टेक अ सराउंडिंग दैट सराउंडिंग में अफेक्ट दिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और अ पर्टिकुलर स्पीशी और अ कम्युनिटी ठीक है कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम होगा तो उसके बिहेवियर पर एक सराउंडिंग इम्पैक्ट करेगी या एक कोई पर्टिकुलर स्पीशी होगी उस स्पीशी के ऊपर वो इम्पैक्ट करेगी राइट उसके बिहेवियर क्योंकि वी यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू कोप अप विद दी सराउंडिंग और कोपिथ दी एनवायरमेंट तो आपका एनवायरमेंट जैसे है आ, उसी हिसाब से आ, आप देखेंगे कि एनिमल्स हो आ, या इवन बिहेव नो बिहेवियर बिहेवियरल इकोलॉजी इट एक्सप्लेन्स पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन एन एनिमल ठीक है व्हाट इट इज डूइंग इट इज एक्सप्लेनिंग द पैटर्न ऑफ बिहेवियर नाउ वाई वी आर एक्सप्लेनिंग द पैटर्न ऑफ बिहेवियर बिकॉज वी आर सिंपली सजेस्टिंग कि अगर सराउंडिंग चेंज होगी या सराउंडिंग के जो भी कंपोनेंट होंगे वो सारे ही कंपोनेंट किसी एक स्पीशी के बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे एंड वो जो भी रिलेशनशिप होगी सराउंडिंग और स्पीशी या ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में दैट वुड बी योर बिहेवियरल इकोलॉजी ठीक है अब एग्जांपल है वाई सम माइग्रेट और सम रिमेन रेजिडेंट कई सारी स्पीशीज आप देखेंगे माइग्रेटरी स्पीशीज होती हैं देर वुड बी अदर स्पीशीज वुड नॉट माइग्रेट ठीक है तो दैट डिपेंड्स कि एन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ वो कैसे कोप अप कर रहे हैं और उस हिसाब से फिर आपकी इकोलॉजिकल स्टडीज आएगी दैट वुड बी बिहेवियरल इकोलॉजी देन देर इज ऑल्सो अनदर इकोलॉजी कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी नॉट दैट इंपॉर्टेंट सो इट एक्सप्लोर्स द फिजिओलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कंसिडर्स द कंसिक्वेंसेस ऑन फंक्शन and behavior okay i'll just uh, clear this particular part right. now what we are saying when we say physiological ecology so that would be uh, the <coughs> just a minute okay so what physiological ecology does it explores the physiology of an individual now what is फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी इज नथिंग बट कि उसके जो भी बॉडीली फंक्शंस होंगे ठीक है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का जो भी फिजियोलॉजिकल uh, फंक्शन होगा uh, वो फंक्शन कैसे डेवलप uh, हो रहा है और हाउ अगेन द सराउंडिंग इज अफेक्टिंग द बॉडीली फंक्शंस ऑफ अ ऑर्गेनिज्म और इवन दी बिहेवियर ठीक है तो इन सब में जब भी हम लोग रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करेंगे या इस एरिया में जब भी हम लोग स्टडी करेंगे दैट वुड बी योर फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी ठीक है सो दैट इज वन मोर टाइप देन देयर आर अ फ्यू मोर टाइप्स ऑफ इकोलॉजी एक इकोलॉजी की ब्रांच होती है वी आर एक्चुअली नॉट कंसर्न विथ ऑल दोज थिंग जस्ट जस्ट रिमेंबर द टर्म्स देर इज वन टर्म कॉल्ड एज लैंडस्केप इकोलॉजी फाइन देर इज अनादर टर्म कॉल्ड एज

टेक एक पर्टिकुलर स्पीशी की एक एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन ले लीजिए और वो पूरा जो पॉपुलेशन होगा हाउ दैट पॉपुलेशन इट इट इंटरैक्ट्स विद द सराउंडिंग हाउ इट बिहेव्स विद द सराउंडिंग अकॉर्डिंगली यू कैन स्टडी इट देन किसी एक पर्टिकुलर रीजन में देयर कैन बी एन नंबर ऑफ स्पीशीज नाउ दिस एन नंबर ऑफ स्पीशीज वुड इंटरैक्ट विद सराउंडिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे आप उस लेवल पर जाकर भी स्टडी कर सकते हैं देन यू कैन ऑल्सो हैव स्टडी ऑन द लेवल ऑफ इको सिस्टम नाउ राइट नाउ यू डू नॉट नो वॉट दिस इको सिस्टम इज जस्ट ब्रीफली मैंशन कि कुछ इको सिस्टम होता है इट इज मोर ऑफ अ सराउंडिंग बट उसमें कुछ एक कैच है सो विल सी वॉट एग्जैक्टली ऑल दिस टर्म्स वुड मीन बट वॉट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट वेन वी आर सींग रियम्स ऑफ इकोलॉजी द रियम्स ऑफ इकोलॉजी इज द लेवल एट विच यू कैन स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ इज सराउंडिंग और विथ हिज एनवायरमेंट वन बाय वन विल एंटर इन टू दैट नाउ वेन वी से रियम्स ऑफ इकोलॉजी द फर्स्ट रियम और फर्स्ट लेवल इज ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ठीक है अगेन आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइगर ए टाइगर ठीक है अब ये जो टाइगर है ही इज इन लेट्स ए फॉरेस्ट अब एक सिंगल एनिमल हाउ दैट एनिमल इज हंटिंग हाउ दैट एनिमल इज फाइंडिंग इज वेज फॉर रिप्रोडक्शन हाउ दैट इंडिविजुअल एनिमल इज फाइंडिंग हिज हैबिटेट उस हैबिटेट के साथ कैसे कोपअप कर रहा है ऑल दिस यू आर स्टडिंग एट द लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ठीक है तो वो हो जाएगा आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म

ठीक है पॉपुलेशन में हमने क्या कहा था पॉपुलेशन में इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटरक्टिंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशी ठीक ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म इज़ इज़ व्हाट एन इंडिविजुअल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है उसका जो भी आप लाइफ एस्पेक्ट स्टडी करेंगे दैट वुड बी रियम ऑफ इकोलॉजी दैट इज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल अब सेम स्पीशी के जब ऑर्गेनिजम्स Uh, आप कंसिडर करेंगे इन अ गिवन रीजन ठीक है और उस लेवल पर जब आप स्टडी करेंगे दैट कैन ऑल्सो भी वन वे ऑफ स्टडी सो वी आर सेम कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरक्टिंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक प्लेस और अ हैबिटेट जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था देर इज अ फॉरेस्ट एंड इन फॉरेस्ट देर वुड बी अ गुड नंबर ऑफ टाइगर्स तो वो सारे टाइगर्स हाउ दे आर इंटरएक्टिंग विद द फॉरेस्ट उसका जब भी आप स्टडी करेंगे दैट वुड बी द स्टडी एट द लेवल ऑफ पॉपुलेशन दॉपुलेशन इकोलॉजी करके एक टर्म है वट पॉपुलेशन इकोलॉजी सो पॉपुलेशन इकोलॉजी इज द यूनिट ऑफ स्टडी आर विच इज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ सिंगल स्पीशी ठीक है सो दैट इज समथिंग वी ऑलरेडी हैव सीन नाउ इट बिकम्स डिजायरेबल टू स्टडी द इंटर डिपेंडेंसीज बिटवीन दीक है जब आप पूरा एक पॉपुलेशन कंसिडर कर रहे हैं

वराइटी ऑफ आस्पेक्ट्स वी स्टडी वॉट वराइटी ऑफ आस्पेक्ट्स डू वी स्टडी ठीक है एक तो आपकी पॉपुलेशन चेंज या पॉपुलेशन ग्रोथ का आस्पेक्ट तो आप स्टडी करते ही करते हैं एट द सेम टाइम वी ऑल्सो स्टडी द आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ या आप क्वालिटी ऑफ लाइफ की यहाँ पर डिस्कशन uh, करेंगे हाउ हेल्दी दैट पॉपुलेशन इज दैट इज समथिंग यू आर गोइंग टू स्टडी वेन यू स्टडी ऑल दीज आस्पेक्ट दैट बिकम्स द पॉपुलेशन इकोलॉजी वी स्टडी डेंसिटी ऑफ पॉपुलशन कंपिटिशन बिटवीन देम सोन एंड सो फोर्थ वी ऑल्सो स्टडी इंफेक्श डिजेस तो ये आप ह्यूमंस में भी स्टडी करते हैं यू कैन ऑल्सो स्टडी इन वेरियस एनिमल्स सो दैट वुड बी योर पॉपुलेशन इकोलॉजी मूविंग ऑन वी हैव अ कम्युनिटी नाउ कम्युनिटी वुड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज और ये कम्युनिटी अब देखिए वी आर कंसिडरिंग कम्युनिटी में बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो टॉक अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ होगा इन अ गिवन रीजन दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड और ये पूरे रीजन में जितनी भी ये कम्युनिटीज होगी दैट इज समिंग वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ टू ब्रॉडली पुट इट इकोलॉजी या कम्युनिटी इकोलॉजी टर्म जब भी हम लोग यूज करेंगे इन धिस पर्टिकुलर पार्ट वॉट वी स्टडी वी आर मोस्टली स्टडी द बायोटिक कंपोनेंट ठीक है और उनका जो भी इंटर डिपेंडेंस होगा फाइन सो इफ यू फोकस इन दिस पर्टिकुलर पार्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनिज्म दिस इज ऑल्सो मोर अबाउट बायोटिक कंपोनेंट इसमें भी बायोटिक कंपोनेंट है वी डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द ए बायोटिक कंपोनेंट देन वेन वी सेड पॉप्युलेशन दिस इज ऑल्सो द बायोटिक कंपोनेंट देन वी सेड कम्युनिटी दिस इज ऑल्सो द बायोटिक कंपोनेंट सो इन कम्युनिटी इकोलॉजी वॉट वी विल हैवी विल हैव डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स और ये प्लांट्स एनिमल्स इनमें जो कुछ भी रिलेशनशिप होगी इंटर डिपेंडेंसीज होगी उनमें जो भी चेंजेस आएंगे विथ टाइम मे बी विथ स्पेस ऑल दीज आर स्टडीड एज कम्युनिटी इकोलॉजी ठीक है अब इसमें आप एक एग्जाम्पल एक एक लगा दें टेक एनी एरिया सो यू विल फाइंड आउट कि वाई इन अ सर्टन एरिया देर आर सम टाइप ऑफ स्पीशीज विच आर डोमिनेटिंग ठीक है देन यूल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनमें एग्जैक्टली डिफरेंट अगर स्पीशीज वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है सो वॉट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन दिज स्पीशीज अब समटाइम समटाइम्स वॉट हैपन की देर इज कॉन्सेप्ट कॉल्ड सिम्बायोसिस सो वील स्टडी दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल इन कमिंग स्लाइड्स सो क्या होगा तो इंटरडिपेंडेंसीज होती है टू देर कुपीशीज विच आर सपोर्टिंग ईच अदर राइट सो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में यू यू माइट हैव अ कम्युनिटी अगर उसके सार, उस कम्युनिटी की सारी स्पीशीज को अगर आप कंसिडर करें यू वुड सी कि इफ यू रिमूव एनी ऑफ द कंपोनेंट मे बी होल ऑफ द कम्युनिटी विल कोलेप्स ये सबको प्रॉब्लम हो जाएगी कोई एक पर्टिकुलर स्पीशी को अगर आप रिमूव कर दें या किसी एक पर्टिकुलर स्पीशी का नंबर वहां पर चेंज हो जाए तो दैट वुड अफेक्ट ऑल अदर बायोटिक कंपोनेंट्स जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल थोड़ा सा रफ एग्जाम्पल यहां पर होगा टेक एन एग्जाम्पल कि कोई एक फॉरेस्ट है इन दिस पर्टिकुलर फॉरेस्ट देर वुड बी पॉपुलेशन ऑफ डियर देर वुड बी टाइगर देर वुड बी प्लांट स्पीशी ठीक है नाउ

इनका नंबर बढ़ते जाएगा दैट वुड क्रिएट स्ट्रेस ऑन दी वेजिटेशन और प्लांट स्पीशीज इन देयर ठीक है सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि जितने भी कंपोनेंट्स है बायोटिक कंपोनेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं बट ऑल दीज बायोटिक कंपोनेंट्स दे ऑल्सो हैव डेवलप्ड सम इंटर डिपेंडेंसीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और जब आप इन सारे आस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे नाउ दिस वॉज वेरी वेरी क्रूड एग्जाम्पल बहुत रिफाइंड एग्जाम्पल्स भी होंगे बट दैट इज नॉट द स्कोप ऑफ आवर स्टडी और स्कोप ऑफ आर प्रिपरेशन वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग यहाँ पर uh, बात किस बारे में कर रहे हैं ठीक है सो ये इंटर डिपेंडेंसीज जो है दैट इज समथिंग वी आर इंटरेस्टेड इन तो हम लोग वो एक पार्ट उसमें स्टडी करेंगे एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी द चेंजेस इन अ कम्युनिटी विच आर टेकिंग प्लेस विथ टाइम और विथ स्पेस सो दैट वॉज अबाउट द कम्युनिटी इकोलॉजी नाउ वी कम्स टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज इको सिस्टम ठीक है सो बिफोर आई रन इन टू द टर्म इको सिस्टम आई विल वंस अगेन रिवाइज यू विद टू टर्म्स दैट वॉज

सिंपल सजेशन और सिंपल डिफिनेशन कि ऑर्गेनिज्म का फिजिकल केमिकल और बायोटिक सराउंडिंग जो है दैट इज योर दैट इज एनवायरनमेंट आइट सो व्हाट वी हैड इन इकोलॉजी सो इकोलॉजी वाज मोर अबाउट दी स्टडी ठीक है कोई एक ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिज्म का जितना भी फिजिकल केमिकल या बायोटिक सराउंडिंग है वेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ दैट ऑर्गेनिज्म इज इंटरैक्टिंग विथ ऑल दीज कंपोनेंट्स। तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये इकोलॉजी है ठीक है वी आर ट्राइंग टू स्टडी कि कैसे ये इंटरैक्ट करें दैट वुड बी आवर पार्ट ऑफ स्टडी तो वी कैन स्टडी इट एज एन इंडिविजुअल वी कुड हैव स्टडीड इट एज population then we had a uh, community ecology so on and so forth and now we arrive at the most important term that is the ecosystem okay now ecosystem, ecosystem uh, we are talking about the whole biotic community okay in a given area we have biotic community so we are considering the whole biotic component community एंड द ए बायोटिक एनवायरमेंट और ए बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरमेंट बट वी आर नॉट कंसिडरिंग ऑल ऑफ द ए बायोटिक कंपोनेट्स वी आर कंसिडरिंग की कोई एक बायोटिक कम्युनिटी है उस बायोटिक कम्युनिटी का वी आर कंसिडरिंग द ए बायोटिक एनवायरमेंट ऑफ द कम्युनिटी वी आर नॉट कंसिडरिंग all of the abiotic component. Okay? So that is the essential difference. When I say environment, in environment, I did not say any categorical uh, thing. I just said ki, see, there is physical, there is chemical, and there are biotic components all clubbed together for an organism. That would be the environment. Okay? But when I am saying ecosystem, इको सिस्टम वॉट आई एम किसी एक ऑर्गेनिज्म है इस ऑर्गेनिज्म का कोई एक बायोटिक एनवायरमेंट होगा या बायोटिक कंपोनेंट होगा और कोई एक फिजिकल या केमिकल कंपोनेंट होगा वी आर मोर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिज्म के परस्पेक्टिव से जितने भी बायोटिक कंपोनेंट के फैक्टर्स या ए बायोटिक कंपोनेंट के फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है दैट इज समथिंग द इको सिस्टम इज ठीक है नाउ जस्ट एग्जाम्पल कोई एक फॉरेस्ट है इन दिस पर्टिकुलर फॉरेस्ट वी हैव अ पॉन्ड हियर ठीक है देर इज अ पॉन्ड दिस आर ट्रीज इन दॉरेस्ट नाउ दिस पॉन्ड इट सेल्फ इज अ सिस्टम ठीक है ये पॉन्ड इको सिस्टम है फॉर हुम दिस पॉन्ड और वाई वी आर कि ये पॉन्ड इको सिस्टम है सी इन दिस पर्टिकुलर पॉन्ड देर इज वॉटर देर वुड बी समिक स्पीशीज ठीक है इफ आई टॉक अबाउट अ फिश हेयर लेट्स से कि कोई एक एक्वेटिक स्पीशी है कोई एक फिश है अगर आप फिश का इको सिस्टम देखें तो फिश के इको सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होगा फिश के इको सिस्टम में वॉटर जो भी होगा यहां पर वो इंक्लूड होगा देन उस वाटर की जो भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज होगी दैट वुड बी इंक्लूडेड उस पॉन्ड uh, में जो भी सॉइल है मे बी देर इज समल इन द पॉन्ड और मे बी देर आर सम रॉक्स और अदर फिजिकल कंपोनेंट्स और केमिकल कंपोनेंट्स देर वुड बी अदर ऑर्गेनिज्म इन दिस पर्टिकुलर पॉन्ड अब ये सारी ही चीज़ों के साथ फिश जो है इट इज़ इंटरैक्टिंग ठीक है इस फिश के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है important. ये फिश के बायोटिक और फिजिकल और ए बायोटिक कम्पोनेंट है ठीक है नाउ दैट इज द पॉइंट वी हैव टू मेंशन हियर कोई एक ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिज्म उसके सराउंडिंग में जितने भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट करेगा वो हो जाएगा उसका इकोसिस्टम ठीक है आई जस्ट रिपीट इट वंस अगेन कोई एक ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जितने भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हैं विथ विच द ऑर्गेनिज्म इज इंटरक्टिंग दैट वुड बी हीज और हर इकोसिस्टम अब यहाँ पर जो फिश है दिस फिश का अगर सराउंडिंग कहें तो इस फिश के सराउंडिंग में ये फॉरेस्ट में जो ट्रीज है ये फॉरेस्ट के जितने भी एनिमल्स है ये फॉरेस्ट की जितनी भी सॉइल है ऑल विल बी पार्ट ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द फिश बट इस फिश के इकोसिस्टम का पार्ट कभी ये ट्री नहीं होगी बिकॉज दिस फिश इज नॉट इंटरक्टिंग विद द ट्री हियर ठीक है सो वॉट वी हैव वी हैव अ अपरेट सेपरेट कंपोनेट मे बी बायोटिक कंपोनेंट एंड ए बायोटिक कंपोनेंट ओनली विथ विच दिस ऑर्गेनिज्म और दिस पर्टिकुलर फिश इज इंटरक्टिंग ठीक है तो आई होप यू यूर गेटिंग द फाइन डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म्स ट इज एनवायरमेंट एंड इको सिस्टम तो एनवायरमेंट कहेंगे तो दैट्स अ ब्लैंक स्टेटमेंट कि जो भी फिजिकल केमिकल और बायोटिक कंपोनेंट है सराउंडिंग में दोज विल बी दरमेंट एंड वेन वी आर सींग दो सिस्टम इको सिस्टम उसमें हम लोग क्या कंसिडर करेंगे ऐसे बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट विथ विच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज इंटरक्टिंग ठीक है नाउ आई ऑल्सो है

Uh, basics. Now uh, we have one more term called as ecosystem ecology. So, in ecosystem ecology, what do we say? In ecosystem ecology, we emphasize the movement of energy nutrients among the biotic and abiotic component of the ecosystem. Your term jo first time used with so that was used by A. G. Tansley. Now, here onwards, uh, whatever we are going to study in this particular section that would be more about ecosystem ecology. इकोलॉजी सो वी विल स्टडी कि किसी भी एक गिवन एरिया में कोई एक पर्टिकुलर स्पीशी है इस स्पीशी का अपना एक ईको सिस्टम है उस इकोसिस्टम में देर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी देर इज अ फ्लो ऑफ न्यूट्रिय देर इज इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स और इस सबका जो भी हम स्टडी करेंगे दैट वुड बी आवर इकोलॉजिकल स्टडीज एट द लेवल ऑफ इकोसिस्टम ठीक है सो आई विल स्टॉप हिअर In next part, we will continue and study few more terms, orticology synecology. Then there are some basic concepts in ecology. So all these are important things. I hope this was helpful. So see you in next session. Till then, have a good time.